Hello friends, today is Mother's Day. I wish all the mothers a very happy Mother's Day. आज मेरी मदर भी मेरे साथ हैं. मैं आप सबको उनसे मिलवाना चाहती हूँ. मेरी मदर से ही मैंने सब कुछ सीखा है. ये बहुत एक्टिव रही हैं कुकिंग में और एक्स्ट्रा हर चीज़ों में. अपने टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के हम सबको खिलाती थी. इन्हीं से ही मैंने सब कुछ सीखा है. अब जो भी रेसिपीज देखते हैं मोस्टली इन्हीं के द्वारा मैंने सीखी हुई हैं. तो प्लीज़ वेलकम हर ऑन माय चैनल. एंड अगेन आई विश ऑल मदर्स हैप्पी मदर्स डे. कीप वॉचिंग माई रेसिपीज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शशि गुप्ताज किचन. एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक्स फ्रेंड्स. मदर्स डे है. मैंने अपनी मदर के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं. उनके स्वभाव को देखते हुए मैंने ये सब लाइनें लिखी हैं. मैं आपको सुनाती हूँ. इसका शीर्षक है माँ. माँ तुम कितनी अच्छी हो, कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो. जन्म दिया तुमने हमें, ममता की गोद में खिलाया हमें. बचपन से लेकर यौवन तक माँ उंगली पकड़ आगे बढ़ना सिखाया हमें. माँ जो संस्कार तुमने दिए हमें, जीवन में काम आते हैं बड़े. दो आदर सत्कार बड़ों को, छोटों को प्यार व क्षमा, यही सिखाया तुमने प्यारी माँ. माँ इस मतलब बड़ी दुनिया में कोई समझता नहीं अपनों को भी अपना, और तुम अपने मधुर स्वभाव से बना लेती हो परायों को भी अपना. मित्र हो या सगे संबंधी, उनका दुख हो या सुख, सबके लिए करती हो निछावर अपना तनमन तुम. माँ एहसास होता है अब ढलती उम्र है तुम्हारी, बनती है अब हमारी भी कुछ जिम्मेदारी. रखे तुम्हारे हर सुख दुख का ध्यान, हमारी किसी बात से ना हो तुम परेशान. इस जीवन संध्या में जब तुम हो जाओगी मौन, ना जाने तब पूछेगा माँ हमारे सुख दुख कौन. इतने वर्षों के अनुभव से यही है पाया, निस्वार्थ सेवा ममता करुणा और सहनशीलता से भरी होती है केवल माँ, और वो खुद तुम. थैंक यू. अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा. एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. अगेन थैंक यू.